लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़ कर जा रहा हूँ इस मिट्टी की आजादी। जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्षिण हिंद का पाया तख्त होगा गोंडाना। जब तक गोंडाना पर फिर से भगवा नहीं लहराता, हम जूते नहीं पहनेंगे। गोंडाना जीतना इतना आसान नहीं है। एक ही शिलेदार है जो एक आमगिरी फतेह कर सकता है। मुक्काम उमरठ नाउ सुबेदार तानाजी मालुसरे। बाबा, सब कह रहे हैं कि उदयवान के पास बहुत बड़ी सेना है, कैसे हराएंगे? अब तू ही बता, कौरव और पांडवों में जीत किसकी हुई? तेरी मिट्टी जज्बात से जुड़ी है और मेरी अकल पानी से। तू जान दे सकता है, मैं जान ले सकता हूं। मतलब तुम पागल हो? हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। दक्षिण से खबर आई है, उदयभान और नागिन कोंढाने पर पहुंच चुके हैं। तैयारी कर अवंता, हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। हमला पहला बार नाकमुला से। जो भी गांव उसकी मदद करे जला दो। कुत्ते की तरह जीने से बेहतर है शेर की तरह मरना। जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है, हर बीज में एक जंगल, हर तलवार में एक सेना, उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा। आपके एक बेटे ने आपके लिए स्वराज खड़ा कर दिया, दूसरे को जूते पहनाने का मौका तो दे। यशस्वी भवा।